लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवी मुंबई दीघा की अवैध अंबिका बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने अपने हालिया आदेश में MIDC को 30 नवंबर तक अंबिका इमारत को तोड़ने और उसका खाली भूखंड पिरामिड बिल्डर्स को सौंपने का फरमान सुनाया। असल में अंबिका अदालत के आदेश पर सील की गई वो इमारत है जिसमें कुछ दबंग लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया था, जिसके खिलाफ बिल्डर्स ने याचिका दाखिल कर बॉम्बे हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई दीघा की अवैध इमारतों में से एक अंबिका अपार्टमेंट अब तोड़ी जाएगी। जी हां, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस इमारत को 30 नवंबर से पहले तोड़ने का आदेश दिया है। MIDC अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने महीने के आखिर तक अंबिका को खाली कराने और इमारत को ध्वस्त करने का फरमान सुनाया है। असल में 7 साल पहले हाईकोर्ट ने 70 फ्लैट वाली इस इमारत को सील करने और ध्वस्त करने का आदेश दिया था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान कुछ दबंगों ने यहां कब्जा कर लिया। टीवी वन इंडिया ने सबसे पहले इसका खुलासा किया, जिसके बाद हरकत में आई MIDC और मनपा प्रशासन को यहां का अवैध लाइट और पानी कनेक्शन काटना पड़ा, लेकिन कब्जा कायम रहा। फिलहाल इसके टूटने का रास्ता अब साफ हो गया है। बताते चलें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने दीघा की जिन 9 इमारतों को तोड़ने का आदेश दिया था, उनमें अंबिका, मोरेश्वर, पांडुरंग, कमलाकर और भगत जी इमारतें शामिल थीं। लेकिन MIDC ने सिर्फ पांडुरंग बिल्डिंग को तोड़ा और अंबिका समेत शेष इमारतों को छोड़ दिया। अंबिका उनमें से एक है जिसकी जमीन पिरामिड बिल्डर्स को आवंटित की गई थी, लेकिन बिल्डिंग टूटने से पहले ही वहाँ दर्जनों लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया। फिलहाल पिरामिड बिल्डर्स की याचिका पर ही कोर्ट ने उसे खाली करने और तत्काल तोड़कर भूखंड सौंपने का आदेश दिया है। फिलहाल सबकी नज़र अवैध अंबिका के ध्वस्त होने पर टिक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।